गाइस, इस श्रेयश स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई मसाला में। दोस्तों आज हम लोग लेमन सिवई बनाने जा रहे हैं, यानी कि सिवई का हम लोग उपमा बनाएंगे जिसमें हम लोग बढ़िया सा नींबू का फ्लेवर देंगे। ये ना बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है, मतलब कभी झटपट से सिवई की कोई डिश बनानी हो तो ये उपमा बनाए। इसमें आप खूब सारी सब्जियां डाल सकते हैं और इसको बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लेमन सिवई हम ऐसे बनाने वाले हैं। तो दोस्तों लेमन सिवई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 कप सिवई लिए हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग उबाल लेंगे। तो एक पैन में पानी गर्म करेंगे, फिर पानी में हम लोग नमक डालेंगे ताकि जो नमक है वो हमारी सिवई तक अंदर तक जाए। और जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आता है इसमें हम लोग अपनी सिवई डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पर ना हमें सिवई को बहुत देर तक नहीं पकाना है, मुश्किल से 2 मिनट तक पकाएंगे इसको हम लोग और फिर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पका के गलाना नहीं है। तो सिवई पकने के बाद अब इसको हम लोग छान लेंगे और छानने के बाद अब इसको हमें ठंडे पानी से धो लेना है। सेम जैसे हम लोग नूडल्स वगैरह के लिए नहीं करते, नूडल्स पास्ता के लिए, वही सेम प्रोसेस ये हम सिवई के लिए भी यूज़ करेंगे। तो तुरंत अब धोने के बाद सिवई हमारी पक के तैयार है। तो चलिए अब ना हम लोग अपना उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में ना हम लोग थोड़ा सा तेल डालेंगे और जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है उसमें हम लोग 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे। राई के बाद 1 टीस्पून हम लोग उड़द दाल डालेंगे और 1 टीस्पून चना दाल। बस उड़द दाल और चना दाल को अब ना हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि इन सबको ना हमें अच्छे से भून लेना है। तो उड़द दाल और चना दाल के साथ ही हम लोग मूँगफली काजू इनको भी इनके साथ ही अच्छे से भून लेंगे। तो हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली काजू डाली है, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आएगा ये हमारे उपमा में। तो इनको ना ज़रूर डालिएगा और अच्छे से इनको भून लीजिएगा। तो ये हमारे मूंगफली काजू भून गए, अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रहा हूँ। तो हमने 2 डंठल लिए ये हमारी कड़ी पत्ता की, तो इसके पत्तियाँ निकाल के इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम लोग प्याज डालेंगे बारीक कटी करीबन 1/2 कप। फिर थोड़ा सा मैं इसमें ये गाजर डाल रहा हूँ जिसको हमने ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसी के साथ साथ हम लोग थोड़े से मटर भी डाल देंगे। अच्छा दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि आलू डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ी सी ब्रोकली को भी काट के इसमें डाल दें, जो आपका मन करे। और बढ़िया से सब्जियों को ना खूब सारी सब्जियाँ डाल के ये उपमा बना लें। तो अब इन सब्जियों को डाल के हम लोग ना बस थोड़ी देर इसको पका लेंगे ताकि जो हमारी गाजर और मटर है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा इसमें साथ साथ ना मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रहा हूँ। लाल मिर्च ना आप थोड़ा जब हमने मूंगफली और काजू भुना था उस टाइम डालिएगा तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं हल्का सा भूल गया था तो मैंने इसको सब्जियों के साथ ही डाल दिया है। तो हम लोग अब सब्जियों को हल्का सा पका लेंगे और जैसे ही हमारी सब्जियाँ पक जाती है इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ना 1/2 टीस्पून से हल्का सा कम हल्दी डाला है इसमें और हल्दी को सब्जियों के साथ मिला लेंगे। फिर इसमें हम लोग अभी जो सिवई को छाना था उसको भी अब इसमें हम लोग डाल देंगे। फिर इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार और सारी चीज़ों को फिर हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद हमें बस इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो हमारी सिवई है वो अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा लास्ट में अब इसमें हम लोग ना 1 नींबू का रस डालेंगे। तो 1 पूरा नींबू इसको हमने अच्छे से इसके ऊपर निचोड़ लिया है और फिर सिवई के साथ इसको ना अच्छे से मिला लेंगे। बस इतना सा हमें करना है और ये हमारा लेमन सिवई बन के तैयार हो जाएगा। देखा कितना आसान है ना ये बढ़िया सा नाश्ता बनाना, और ये ट्रस्ट मी गाइस ये ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। तो अब आप ट्राई करें ये सिवई के उपमे की रेसिपी और नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ ऐसी और अगर सिंपल और ईजी से ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज जानना चाहते हैं ना तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी ब्रेकफास्ट रेसिपीज आपके लिए ज़रूर लाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको अब ये लेमन सिवई की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।